ये बताइए आरपी सिंह जी, अभी अभी प्रिंसिपल साहब पर जो आरोप लगाए छात्रा ने, उसकी प्रतिक्रिया देते हुए प्रिंसिपल साहब का कहना है कि ये आरोप जो लगाए गए हैं पूरी तरह प्लान करके लगाए गए हैं। छात्राओं के साथ मिलकर आरपी सिंह और सुनील नाम के कोई आपके प्रवक्ता है, उन्होंने उसको प्लान किया और एक राजनीति के तहत उन पर आरोप लगाया, क्या कुछ कहना चाहिए पूरी प्रकरण? छात्राओं से आप लोग पूछ लीजिए कि इसके संदर्भ में हम लोगों से छात्राओं से कोई वार्ता हुई है, कभी कोई संपर्क हुआ है, हमने क्या उनको बुलाया था? उसके बाद में ये तो मैं संयोग से स्टाफ रूम में पहुंच गया, वहाँ महिलाएं बैठी हुई थी और उसके साथ साथ कैनल रूम के जो है छात्राओं के कुछ गार्जियंस आ गए। संयोग की बात थी कि मैं एक जो है फाइल निकाल करके उसके बाद में कुछ जो है उसके बाद में उसको देख रहा था, उसी समय लड़कियाँ जो पहुँची और पहुँचने के बाद में अपनी व्यथा जो है अपने क्लास टीचर से सुनाने लगी और उस समय मैं सुना, उसके बाद पता लगा क्योंकि गार्जियंस भी आए हुए हैं और गार्जियंस आने तब भी एक लड़की उसमें ऐसी थी कि जो इन्होंने हरकत की है अपनी मातक को नहीं बताया, मातक को नहीं बताया, लेकिन एक ही गुरु होने के नाते भाई हमने उस जो महिला शिक्षक है हमने कहा भाई ऐसे इन बच्चों से पुरस्कार करके इनके साथ ऐसी गंदी हरकतें की जा रही हैं, कोई नई बात है यहाँ के लिए नहीं है, बड़ी पुरानी बातें हैं, ये असली हरकतें किया करता है प्रिंसिपल, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये कि भाई चलो ठीक है कोई पुष्पमाड़ के बिना कैसे कह सकते हैं। कभी हम आज सवेरे सवेरे जो कह रहे हैं झगड़े की बात, इन्होंने अकेले बुला करके महाचार्य महोदय को समझाने की चेष्टा की कि आप अश्लील शब्द का माने अश्लीलता उतर आते हो, इसके साथ ही साथ आप असली हरकत करते हो, दूसरे जो है अमर्यादित शब्द यहाँ तक कि चमार शब्द का भी प्रयोग करते हैं और उसके बाद में ये जो है कहते हुए इन्होंने समझाने का प्रयास किया, इस पर वो व्यक्ति उछल गया, क्या करोगे हमारा, हम तुम्हारे अगेंस्ट हमारा जो 25,000 रुपए ले लिया। चले हमको ये बताइए कि उन्होंने जो कहा है कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सब आपके द्वारा प्लान है पूरे, हमको दो बार हमको ये बताइए कि इसके पहले भी इस तरह के आरोप लगाए गए, आरोप इन पर लगाए गए हैं और उसके बाद में यहाँ तक ये सस्पेंड भी हुई है। उस समय यहाँ के प्रबंधक श्री अनिल सिंह थे। कब की बात है ये सर? 9 की बात है। 9 जी। सस्पेंड हुए कितने आरोपों के तहत? आरोपों के तहत उनमें कई 26 आरोप लगे हुए हैं और 26 आरोपों की जांच आज भी चल रही है लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। अंतरिम राहत के तहत इनको कुर्सी पर बैठा लिया गया है। तो अगर निष्कर्ष तौर पर देखा है तो निष्कर्ष तौर पर क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने आरोप निराधार बताया है, आपके तरफ से अगर बात कही जाए तो क्या निष्कर्ष देंगे? नहीं, ये जो गलत साधारण है, निश्चित रूप से इन्होंने ऐसी हरकत की है और ऐसी हरकत इसके पहले भी करते रहे हैं। हमारे लिए एक महिला शिक्षिका के साथ भी ऐसी पानी डालकर हरकत हुई है, इसके पहले भी हुआ है कोई नहीं, ये दूसरा आरोप ही। एक जो सुषमा रसोगी नाम की जो है शिक्षिका थी बरसात के समय, उनके साथ कहने लगे असली हरकत करते हुए मैं छाता लगा कर बगल चलना चाहा, उन्होंने कई बार मना किया, इसकी जो शिकायत की गई, अध्यापकों ने कई बार इनको वार्निंग किया, प्रिंसिपल साहब छोड़ दो ये बहुत गंदी बात है, किसी प्रिंसिपल को शोभा नहीं देता है, लेकिन ये जो है अपनी आदत से बाज नहीं आती। अच्छा, इन्होंने भी अभी आरोप लगाया है कि कोई जेल जा चुका है। मैं ही जा चुका हूँ, मैं डॉक्टर आरपी सिंह हूँ, क्या कारण? इनसे पूछिए कि इसके बाद में किस कारण से मैं जेल गया हूँ, ऐसा नहीं मुकदमा भी चला हुआ है। आप बताइए किस कारण आप जेल गए? ऐसा था कि ये जो है भ्रष्टाचार, हमारे यहाँ एक कॉलेज की बाउंड्री टूटी, यहाँ ये जो है इनको 30 जून माने 1 तारीख 1 जुलाई को यहाँ कार्यभार ग्रहण करना चाहिए था, बैक डेटेड 28 तारीख को उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है, दोनों प्रिंसिपलों की सैलरी भुगतान हुई है, बाद में जब ये थोड़ा बाद आगे बात बढ़ी तो उसके बाद ये बात है सन 8 की और उसके बाद में सन 8 में जून के 2 जून को यहाँ जो है बाउंड्री तोड़ी गई। डिग्री कॉलेज स्थापक डॉक्टर एस पी सिंह यहाँ के प्रिंसिपल थे, इस भाग को मिलाना चाहा उन्होंने, जिसका मैंने प्रबल विरोध किया था। हमारी जो चार से टीचर उसमें हमको घर पे, मैं प्रतापगढ़ में था, हमको सूचना मिली। तो जेल आप किस कारण गए? मैं बता रहा हूँ, आप सीधा रीजन बताइए। ये सीधा रीजन ऐसा एग्जाम चल रहा था, एग्जाम में इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किए थे, हमने जो उन पर आरोप मान कर